नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक बहुत प्यारी मूर्ति दिखा रहा हूँ। मैं वो मूर्ति यह है कि माता शेषनाग पर विराजमान है, पीछे मोर का पंख बना हुआ है, ये उनकी सवारी सिंह सवार करके कृष्ण मूर्ति कलाकार के द्वारा ये मूर्ति, ये देखिए कृष्ण मूर्ति कलाकार के द्वारा एक और बहुत ही सुंदर मूर्ति। ये मूर्ति की सुंदरता देखिए, लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात माता विराजमान है अपने सिंह सवारी के साथ। ये माता रानी का शेर। मैं कृष्ण मूर्ति कलाकार की आपको कला दिखा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे माता साक्षात विराजमान है। यह है हमारे बुंदेलखंड के कृष्णमूर्ति कलाकार की कला। देखिए आप यह मूर्ति, देखिए माता रानी के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर जो साइड में बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है, नीचे माता की सवारी सिंह सवार करके माता एक अलग सी कला है इनके हाथों में, कृष्णमूर्ति कलाकार के हाथों में। देखिए आप, देखिए और मूर्ति में दिखाता हूँ जो माता के सेवक की इच्छा होती है कि उनकी माँ सफेद कलर का सिंह सवारी करे। ये एक डिमांड पर बनाई गई हुई मूर्ति है। देखिए देखिए, नीचे मगरमच्छ दबा हुआ है शेर के पैरों के नीचे, और ये माता रानी, अभी मुकुट लगना बाकी है इनका। और ये देखिए सभी की माता तैयार हो गई है जो कि कल विराजमान है 17 तारीख को, सिर्फ बस मुकुट लगना बाकी है। एक और मनमोहक झांकी कृष्ण मूर्ति कलाकार की, आकर्षित नीचे दो शेर अपनी सवारी के साथ, माता रानी माता पगड़ी पहने हुई है, एक अलग ही अंदाज में नजर आती हुई। देखिए आप, यानी इनके हाथों में, कृष्णमूर्ति कलाकार के हाथों में एक अलग ही कला है। ऐसा लगता है जैसे माता साक्षात विराजमान अपनी सिंह सवारी पर। एक ही मूर्ति माता रथ पर विराजमान अपने शेरों के साथ, सवारी के साथ माता रथ पर विराजमान है। देखिए आप इनकी कला को, देखिए इनकी सुंदरता, देखिए माता की साड़ी का पहनावा माता रानी का, ये बदक रथ पर बनी हुई। देखिए आप, देखिए कितनी मनमोहक मूर्ति है कृष्ण मूर्ति कलाकार की। और ये मूर्ति रानी का पहनावा बंगाली स्टाइल में है, बंगाली साड़ी। देखिए आप, सबसे मनमोहक मूर्ति, सबसे प्यारी मूर्ति माता रानी माँ के रूप में गणेश जी लिए हुए। ये देखिए गणेश,
और ये नीचे कृष्ण जी, देखिए कितना प्यारी। और इस पंडाल की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी, जो कि इस समय कृष्ण मूर्ति कलाकार रात को 12 बजे आज फिर तैयार करने में लगे हुए हैं। ये मूर्ति की आप कला देखिए। और माता इस राक्षस का, महिषासुर जो नामक राक्षस है, उसका वध करते हुए एक संकेत देती हुई कि उनके हाथ संकेत, इस हाथों में त्रिशूल, और ये त्रिशूल महिषासुर राक्षस की छाती को फाड़ते हुए उसकी वध करेंगी माँ। और ये हमारे मूर्ति कलाकार रात को 12 बजे जो लगे हुए हैं। और सबसे मनमोहक झांकी इस पंडाल की, इस वर्ष की कृष्णा मूर्ति कलाकार की ओर से सबसे मनमोहक झांकी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये मूर्ति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शंस पे कृष्णा मूर्ति कलाकार का नंबर भी डाल रहा हूँ, और जिस किसी को मूर्ति के ऑर्डर या मूर्ति बनवानी हो तो कृष्णा जी से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय।